तो हमने स्टार्ट करा था कि पंजाब एंड हरियाणा का डिवाइडेशन हो गया था, है ना। पंजाब एंड हरियाणा का डिवाइडेशन हुआ था और कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में पंजाब एंड हरियाणा का डिवाइडेशन हो गया था। तो मतलब 1 नवंबर 1966 नू की किया गया, पंजाब एंड हरियाणा का डिवाइडेशन कर दिया गया। तो पंजाब एंड हरियाणा का डिवाइडेशन किया गया सी उस टाइम जो पंजाब दे कोल, पंजाब दे कोल किन्ने डिस्ट्रिक्ट सी मतलब डिवाइडेशन तो पहला? तो 20 डिस्ट्रिक्ट सी। पंजाब एंड हरियाणा की मैं गल करा तो पंजाब दे कोल टोटल डिस्ट्रिक्ट किन्ने सी? 20। 20 विचों पंजाब ने किन्ने डिस्ट्रिक्ट रखे सीगे? तां 13 डिस्ट्रिक्ट। 13 डिस्ट्रिक्ट पंजाब ने रख ले और बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट आपा किस नूं दे दित्ते सीगे? ओ हरियाणा नूं दे दित्ते गए सी। तां मॉडर्न पंजाब दी गल करा मैं तां मॉडर्न पंजाब दे कोल 13 डिस्ट्रिक्ट रह गए सी। समझ आ गया? मतलब 1947 की मैं गल करा, 1947 की वंड तो बाद गल करा तो अपने पंजाब का नाम की सीगा? न्यू पंजाब। और जो पंजाब एंड हरियाणा का डिवाइडेशन हो गया तो पंजाब का नाम की पै गया सीगा? तां मॉडर्न पंजाब। समझ आ गया? तो मॉडर्न पंजाब को 13 डिस्ट्रिक्ट रह गए, 7 डिस्ट्रिक्ट आप दे दिते सी हरियाणा नूं। तो हरियाणा नूं किन्ने डिस्ट्रिक्ट दिते सी? 7। उस 7 डिस्ट्रिक्ट केड़े केड़े ने? 7 डिस्ट्रिक्ट। आपां नूं अपने वाले याद करने की जरूरत नहीं, आपां नूं वो 7 याद है तो मतलब ऑटोमेटिकली अपने कवर हो जाएंगे। तो 7 डिस्ट्रिक्ट केड़े सी आपां उस नूं याद करांगे कि घर जम्मू कश्मीर में। इस तक आपां मेरे ख्याल से कर लिया सीगा? घर जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जे तो जी तो याद करांगे गुरुग्राम, जिसनों आपां गुड़गांव बोलते हैं। एस तो याद करांगे हिसार, हिसार। ए तो याद करांगे अंबाला, अंबाला। आर तो याद करांगे रोहतक, रोहतक। जे तो याद करांगे जींद, जींद। के तो याद करांगे करनाल, करनाल। और एम तो याद करांगे महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। मे बी क्लीयर है बच्चों? तो यह 7 डिस्ट्रिक्ट आप कि दिते सीगे? हरियाणा नूं दिते सीगे। हुण यह 7 डिस्ट्रिक्ट विचों आप गुरुग्राम की गल करिए, गुरुग्राम नूं आप की बोलते हैं? गुरु की नगरी बोलते हाँ। मतलब यदा नाम की सीगा? गुड़गांव सी, और इस नूं गुरुग्राम के नाम नाल जाणिया जांदा है। गुरुग्राम क्यों बोलते हाँ या गुरु की नगरी क्यों बोलते हैं या मास्टर सिटी के नाम नाल क्यों जाणिया जांदा है? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के नाम से इन्हों का नाम रखा गया है। ठीक है। हिसार सिटी की मैं गल करा तो हिसार सिटी इसका फाउंडर कौन है, कोई दस सकता है बच्चा? फिरोज शाह तुगलक। ग्रेट बेटा। तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक कौन सी? जिसने पंजाब के फिरोजपुर सिटी का फाउंडर मनिया जाता है। तो फिरोजपुर सिटी का फाउंडर कौन सी? फिरोज शाह तुगलक। हिसार सिटी का भी फाउंडर किसन मनिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक। अंबाला तो मैं गल करा, अंबाला, अंबाला सिटी। तो अंबाला तो ही की है जो तुसी नाम सुनिया होगा सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज का जन्म कितने होया सी? अंबाला दे विच होया सीगा, अंबाला दे विच। और सुषमा स्वराज कौन है? तो इंडिया की फर्स्ट फॉरन मिनिस्टर रह चुकी है, वूमेन फॉरन मिनिस्टर। इंडिया की फर्स्ट विदेश मंत्री केड़ी रह चुकी है? तो वूमेन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रह चुकी है। और सुषमा स्वराज ही दिल्ली की पहली महिला सीएम रह चुकी है। दिल्ली की फर्स्ट वूमेन सीएम कौन रह चुकी है? तो सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज की मैरिज कितनी हुई सी? महेंद्रगढ़ के। ठीक है। तुसी जूही चावला का नाम सुनिया होगा, एक्ट्रेस है। उसका भी संबंध किस नाल है? अंबाला के नाल है। परिणीति चोपड़ा का नाम सुनिया होगा, प्रियंका चोपड़ा की भैन है चरणीति चोपड़ा। उसका भी जन्म कितने होया सीगा? अंबाला के। होर आप गल करिए जसपाल, जसपाल भट्टी का नाम सुनिया होगा तुसी, उन्हों का भी संबंध किस नाल है? तो अंबाला के नाल। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कॉमेडियन है जसपाल भट्टी जी। तो उन्होंने जींद, जींद की सीगा? तो अपनी जिहड़ी 5 जो 3 इंडिपेंडेंसली फुली इंडिपेंडेंसली स्टेट सीगियां पैप्सो दे विच, वो जींद उस पार्ट सीगा। ठीक है। चलो भी होर गल कर लैने आ करनाल, करनाल की मैं गल करा तो इसनों करण नगरी के नाम नाल भी जाने जाता है, करण नगरी के नाम नाल। क्लीयर हो गया। हुण करण नगरी की मैं गल करा तो महाभारत विच करण सी ना उहदा जिहड़ा राजमहल आए वो सीगा, वो कित्थे सीगा? करन, जो करनाल दे विच सीगा। ठीक है। इस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है करनाल, करनाल तो ही कल्पना चावला बिलोंग करती सी।
कल्पना चावला भी करनाल तो बिलोंग करती सी। और महेंद्रगढ़ तो मैं गल करा तो महेंद्रगढ़ की आप गल करिए बाबा रामदेव का संबंध किस नाल है महेंद्रगढ़ के नाल है। ठीक है हुण टोटल पंजाब दे विच मैं गल करा तो टोटल डिस्ट्रिक्ट किन्ने हो गए ने तो 23 डिस्ट्रिक्ट ने। क्वेश्चन क्लियर हो गया प्रेजेंट पंजाब दे कोल किन्ने है 23 डिस्ट्रिक्ट है और हरियाणा दे कोल टोटल डिस्ट्रिक्ट किन्ने ने प्रेजेंट टाइम तो उहदे कोल पहला 7 सीगे हुण किन्ने है 22 डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा के कोल टोटल डिस्ट्रिक्ट किन्ने हैं तो 22 डिस्ट्रिक्ट। मे बी क्लीयर हो गया होगा। चलो नैक्सट क्वेश्चन से चलिए। चलो इस तो बाद क्वेश्चन से आ जाने नैक्सट क्वेश्चन से आ जाने कि पंजाब एंड हरियाणा डिवाइडेशन हो गया। इस तो बाद देखो बच्चे इतों क्वेश्चन बनता है कि अपना मॉडर्न पंजाब बन गया मॉडर्न पंजाब तो बन गया और मॉडर्न पंजाब का इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मॉडर्न पंजाब के फर्स्ट सीएम कौन सी ता ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। लिख लेना मॉडर्न पंजाब के फर्स्ट सीएम ऑफ मॉडर्न पंजाब तो फर्स्ट सीएम कौन सी ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। क्लियर हो गया यानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। इतों ही क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न पंजाब के फर्स्ट गवर्नर कौन सी मॉडर्न पंजाब के फर्स्ट गवर्नर तो मॉडर्न पंजाब के फर्स्ट गवर्नर सी बच्चे धर्मवीर धर्मवीरा या धर्मवीर। ठीक है धर्मवीरा मे बी क्लियर हो गया है मॉडर्न पंजाब के फर्स्ट गवर्नर कौन सी धर्मवीरा सी। मे बी क्लीयर है बच्चों इतों तक। इस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है न्यू पंजाब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू पंजाब दे फर्स्ट सीएम वेरी गुड यार तो न्यू पंजाब दे फर्स्ट सीएम कौन सी फर्स्ट सीएम तो गोपी चंद भार्गव सर वो पेन बार बार इरेज कर रहे हैं। हाँ वो प्रॉब्लम आ रही है बार गवा। ठीक है हाँ तो नहीं लग रहा। ठीक है चलो कोई नहीं देखते हैं। तो गोपीचंद भार्गव न्यू पंजाब के फर्स्ट सीएम कौन सी गोपीचंद भार्गव सी बच्चे। ठीक है इस तो बाद गल आ जाती है न्यू पंजाब के जो फर्स्ट न्यू पंजाब के फर्स्ट गवर्नर कौन सी फिर कपूर सिंह चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी। ग्रेट बेटा कोई गल नहीं फर्स्ट गवर्नर कौन सी न्यू पंजाब दे चंदू लाल वेरी गुड चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी माधव लाल त्रिवेदी। मे बी क्लियर हो गया कोई स्पेल दे विच कोई एबीसीडी दी गलती हुई तो सॉरी माफ कर देना। ठीक है चलो तो चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी मे बी क्लियर हो गया आएगा। चलो त्रिवेदी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी कौन सी तो फर्स्ट जो गवर्नर सी किसते न्यू पंजाब के। हुण क्वेश्चन आ जाता है न्यू पंजाब के फर्स्ट स्पीकर कौन सी न्यू पंजाब के फर्स्ट स्पीकर न्यू पंजाब दे फर्स्ट स्पीकर दी गल करिए फर्स्ट स्पीकर स्पीकर कौन सीगे ता सीगे कौन कपूर सिंह। चलो कपूर सिंह ता जड़े फर्स्ट न्यू पंजाब दे स्पीकर कौन सी कपूर सिंह समझ आ गया बच्चे। और ये न्यू पंजाब है ता मॉडर्न पंजाब दे फर्स्ट स्पीकर कौन सी पंजाब दे फर्स्ट स्पीकर हरबंस सिंह। बिल्कुल सही है हरबंस सिंह मे भी क्लियर हो गया है। हुण बच्चे आपां न्यू पंजाब दी भी कर ली मॉडर्न पंजाब दी भी गल कर ली। हुण इथों एग्जामिनर क्वेश्चन कर लैंदा बच्चे कि मॉडर्न और न्यू पंजाब दे तां
जो स्पीकर भी कर ले आप गवर्नर भी गल कर ली सीएम की भी गल कर ली हूँ क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजेंट टाइम पंजाब के सीएम कौन ने तो प्रेजेंट टाइम जो पंजाब के सीएम ने वह कौन ने यह तो बच्चे आप कर रहे ना मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर कर रहे हैं आप ही ये की करांगे पंजाब की करंट अफेयर भी करांगे पंजाब की करंट अफेयर का भी कोई क्वेश्चन नहीं छड़ांगे भी अपने क्वेश्चन आवे पंजाब करंट अफेयर का और वो रह जाए नहीं पंजाब की करंट अफेयर शुरू करांगे एक बार पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर कंप्लीट हो उस तो बाद पंजाब करंट अफेयर भी करा करांगे और उहदे नाल भी अपना नाले तो की होएगा पंजाब अपना रिवाइज हो जाएगा नाले पंजाब दे विच जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं जो घटना हो रही ने उहदे बारे आपां नूं पता चलदा रहे ठीक है तो आपां नूं करंट अफेयर का भी कोई क्वेश्चन ना रहे ठीक है तो क्वेश्चन आ जाता है पंजाब के प्रेजेंट टाइम सीएम कौन ने भगवंत मान भगवंत मान तो पंजाब के प्रेजेंट टाइम सीएम कौन ने बचे तो भगवंत मान ने ठीक है भगवंत मान पंजाब के जो प्रेजेंट टाइम सीएम भगवंत मान पंजाब के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन ने बचे तो बनवारी लाल पुरोहित ग्रेटिया तो लिख लेना बनवारी लाल पुरोहित ये रुक गया बनवारी लाल पुरोहित इतों ही क्वेश्चन आ जाता है पंजाब दे प्रेजेंट टाइम जो स्पीकर कौन ने फिर पंजाब दे प्रेजेंट टाइम स्पीकर कौन ने तो लिख लेना स्पीकर एक ने कुलतार सिंह संधवा कुलतार सिंह संधवा ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਪੈਪਸੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਯੂਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक नवंबर हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इतों एक नवंबर 1966 नो फर्स्ट नवंबर 1966 दे विच की होया सी बच्चे ता पंजाब एंड हरियाणा का डिवाइडेशन तो होया ही होया उस तो पहला पंजाब दी कैपिटल केड़ी बन चुकी सी चंडीगढ़ बन चुकी सी ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ जो चंडीगढ़ नो की बना दिता ता एक यूटी विच कन्वर्ट कर दिता मेरे ख्याल से क्लियर है उता ता चंडीगढ़ नो की कर दिता गया एक यूटी दे विच कन्वर्ट कर दिता गया ता पंजाब दी कैपिटल चंडीगढ़ और हरियाणा दी कैपिटल चंडीगढ़ बना दी गई और इस नो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिता गया मतलब यूनियन टेरिटरी दे विच बना दिता गया समझ आ गया है हुण देखो यूटी नो कंट्रोल कौन करता है ता सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है तो यूटी में कंट्रोल करता है मे बी क्लियर हो गया है चलो भी हुण चंडीगढ़ तो प्रॉपर की हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट दे अंडर आ गई हुण आपां करांगे चंडीगढ़ दा फॉर्मेशन चंडीगढ़ किवें बनाया गया रीजन की सीगा ठीक है और उहदा ड्रीम किस पर्सन दा सी उह आपां गल करदे हां ठीक है चलो इस नूं इरेज कर चलो लिख लेना क्वेश्चन आ जाता बच्चे चंडीगढ़ 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 की मैं गल करा तो चंडीगढ़ दो वर्ड मिला के बने है चंडी प्लस गढ़ ठीक है गढ़ चंडी का मतलब की है चंडी टेंपल तो गढ़ का मतलब की हो गया एक किला ठीक है
गढ़ का मतलब की हो गया किला हो गया फोर्ट हो गया। तो चंडी दे टेंपल दे नाम तो मतलब चंडी माता दे नाम तो की बनाया चंडीगढ़ का फॉर्मेशन किया गया सी। लिख लेना चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर के नाम से पिया सी। ठीक है भी चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर के नाम से पिया सी। हुण ये चंडी टैंपल है कितने बई तो यह हरियाणा के पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के है। हरियाणा के पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कुला डिस्ट्रिक्ट के आता है। ठीक है हरियाणा के पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के है। तो चंडी चंडीगढ़ का जोड़ा नाम रखे है जो चंडी टैंपल दे तो वो चंडी टैंपल कितने है तो हरियाणा के पंचकूला के। मे बी क्लीयर है इतों तक। इस तो बाद बच्चे क्वेश्चन बन जाता है कि 1947 तो बाद देखो हम एक क्वेश्चन इतों बनेगा कि चंडीगढ़ बनाना क्यों पिया सी क्योंकि पंजाब की कैपिटल चाहिए सी आपां नूं उहदा शिमला नूं आपां मतलब टैंपरेरी तौर पर बनाया सीगा। तां आपां थोड़ा जिहा बैक चलते हैं 1947 तो पहला मतलब बिफोर 1947 बिफोर 1947 की गल करा तो उदो की सीगे पंजाब जो अजोका पंजाब है मतलब अज का पंजाब प्लस हरियाणा प्लस एचपी सशिकल दोस्तों पाकिस्तान। क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा पंजाब का पार्ट सीगा। तो इसकी कैपिटल केड़ी सी उस टाइम लाहौर सीगी। तो इस टाइम कैपिटल केड़ी सी लाहौर सी। हुण देखो पंजाब दी कैपिटल लाहौर किसने बनाई सी महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई सी। पंजाब दी कैपिटल सब तो पहला जो किसने बनाई सी ता महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई सी बच्चे महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब दी कैपिटल लाहौर नू बनाया सी। और महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर कैप्चर कीती सी किस तो भंगी मिसल तो। भंगी मिसल तो कैप्चर कर ली सी बच्चे महाराजा रणजीत ने भंगी मिसल मिसल तो कैप्चर कर ली सी कदों 1799 दे विच। और इसे ईयर दे विच ही पंजाब दी कैपिटल किसनू बना दिता गया सी लाहौर नू बना दिता गया सी। मे बी क्लियर है इतों तक। हुण देखो पंजाब दी कैपिटल लाहौर बन गई। लाहौर तो बना दी गई ठीक है इसनू आपां मान लैने पंजाब दी कैपिटल लाहौर बनी। बट इतों क्वेश्चन बनता है कि बच्चे पंजाब दी कैपिटल लाहौर है ना वो दिल जो हर इंडिया दी भी कैपिटल रह चुकी सी। ता सब तो पहला लाहौर नू कैपिटल किसने बनाया सी ता कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया सीगा। समझा गया ता पंजाब दी कैपिटल ता लाहौर रही रही इंडिया दी भी कैपिटल लाहौर रह चुकी है जो स्लेव डायनेस्टी दे किंग। स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश दा एक किंग सीगा जिसका नाम सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ता कुतुबुद्दीन ऐबक ने की किया सी जो लाहौर नू कैपिटल बनाया सी। लाहौर नू सब तो पहला कैपिटल किसने बनाया कैपिटल तो कैपिटल बनाया सी बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक क्लियर हो गया ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की किया सी ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को क्या बनाया था बच्चे कैपिटल बनाया सीगा। और केड़े ईयर विच बनाया सीगा 1206 ईस्वी दे विच बनाया सी बच्चे ये भी पढ़ो। ठीक है तो 1206 दे विच लाहौर दी कैपिटल केड़ी बन गई सीगी सॉरी इंडिया दी कैपिटल केड़ी बन गई लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक दी मैं गल करा थोड़ा जा चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक बारे में थोड़ा जा डिस्कस करवाना। ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक सी ना वो मुहम्मद गोरी का एक स्लेव सीगा। मुहम्मद गोरी का स्लेव सी। और क्वेश्चन कीती जावे तो कुतुबुद्दीन ऐबक सी ना ओ तुसी नाम सुनया होएगा एक संत सीगे चिश्ती संत जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी का नाम सुनया होएगा। तो उन्होंने की किया सी उन्होंने बेटे ने की किया सी कुतुबुद्दीन ऐबक नू मंगोलों तो बगदाद के बाजार विचों परचेज कर लिया सी खरीद लिया सीगा। जो इनू खरीदया गया ना खरीदया गया तो हुण देखो इसनू खरीद लिया और खरीदन तो बाद इनू बेच दिता सीगा। मतलब पहला इसनू खरीदया गया और खरीद के किदे लई लिया गया सीगा तो अपने पापा की हैल्प दे लई मतलब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी दी। ठीक है हुण ये की करदा सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सॉरी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी दे लई ओह की आसन वगैरह लगांदा सी जदों कुरान पढ़दे सीगे तो उन्हां दे आसन लगांदा सी उन्हां दी हैल्प करदा सीगा। ते उहदे लई इहनां ने की कीता
ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਲੇਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਰਖਵਾਈ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫਲੋਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲੋਰ ਪੰਜਵਾਂ ਫਲੋਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1206 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਐਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਜਾਂ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਗੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਲੈਨਰ ਤਾਂ ਐਲਬਰਟ ਮਯੂਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫਸਟ ਪਲੈਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਐਲਬਰਟ ਮਯੂਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਐਲਬਰਟ ਮਯੂਰ ਮਯੂਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਰਸਨ ਸੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਰਸਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਐਲਬਰਟ ਮਯੂਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1948 ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟ ਥੋੜੀ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰੀ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕੁਝ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਜੋ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੋਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੋਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੋਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਰੀ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਹੇ ਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇ ਰਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ
माई एक्सपेरिमेंट विद द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, एक ही है महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। एक तो एक क्वेश्चन और क्लियर कर देना, 7 अप्रैल 1948 नो ही की होंगे बच्चे, तो WHO का फॉर्मेशन हुआ सी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ सी, समझ आ गया। और 7 अप्रैल नो आपा केड़ा डे मनाने हां, तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने हां, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया इतों तक, चलना अगे। चलो बच्चो इस तो बाद गल करते हैं, तो अल्फर्ड म्यूर नू की कर लिता गया, हायर तक कर लिया गया। हुण देखो भाई अल्बर्ट म्यूर है वो अमेरिकन पर्सन सी, इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिता गया। हुण देखो इसने काम तो स्टार्ट कर दिता, आफ्टर सम टाइम की होया, जो 1950 अल्बर्ट म्यूर है इसका एक फ्रेंड सीगा बच्चे, जिसका नाम सी मैथ्यू। मैथ्यू की हो गया प्लेन क्रैश के दौरान इसकी डेथ हो गई, इहदा फ्रेंड सीगा मैथ्यू की हो गई प्लेन क्रैश होने दे नाल इसकी डेथ हो गई। हुण डेथ हो गई तो अल्बर्ट म्यूर किते चले गया, अमेरिका चला गया, ठीक है भाई। अल्बर्ट म्यूर अमेरिका चला गया, हुण देखो अमेरिका चला गया तो इस तो बाद वापिस आया ही नहीं गा, तो हुण चंडीगढ़ का जिहड़ा काम सीगा उहनू कंप्लीट भी कराना सीगा। कंप्लीट कराउण दे लई फिर जो चंडीगढ़ का काम है जो वह किसनों दे दिता गया, तो एक परसन सीगा जिसका नाम किसी ली कॉर्बूसियर उसनों दे दिता गया, समझा गया। तो इस प्रोजेक्ट नू कंप्लीट करने लई एक आर्किटेक्ट नू की दिता गया सी, ता इसका वर्क दे दिता गया, समझा गया। आर्किटेक्चर कौन सी गे तो लिख लेना भाई ली कॉर्बूसियर, समझ आ गया। ली कॉर्बूसियर ते ली कॉर्बूसियर नु काम दे दिता गया। बेसिकली ये कितों बिलोंग करता है, फ्रांस तो ठीक है। आपा की करते हैं कुछ पर्संस ने, फॉर एग्जांपल मैम दी गल ले लेने हैं, मैम की ने इंडियन ने, और इंडियन ए किते चलेगे फॉरेन चलेगे, फॉरेन इन्हां ने की कीती उथों दी सिटीजनशिप ले ली, ता इथों दी सिटीजनशिप छड़ दी, ता ओ की है उथों दी इन्हां कोल की है पीआर है जां उथों दी सिटीजनशिप है, बट बिलोंग कितों करदे ने, ता बेसिकली बिलोंग कितों करदे ने, इंडिया तों बिलोंग करदे ने। इसे तरह ही ली कॉर्बूसियर है वो कितों बिलोंग करदा सी बच्चे, स्विट्जरलैंड तों बिलोंग करदा सी, स्विट्जरलैंड तो बिलोंग करता सीगा, और स्विट्जरलैंड नू ही वर्ल्ड पैराडाइज दे नाम नाल जाने जांदा बच्चे, वर्ल्ड पैराडाइज दे नाम नाल जाने जांदा है। और इत्थे एक चीज और क्लियर कर देना, स्विट्जरलैंड दे विच ही मैक्सिमम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना उन्हां दे हेडक्वार्टर ने। फॉर एग्जाम्पल तुसी नाम सुने आएगा जिनेवा दा, IILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, WTO, WHO, इन्हां दा हेडक्वार्टर किथे गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड दे विच है, ठीक है। और बहुत सारे आपां गल करांगे जो ऑर्गेनाइजेशन करांगे ना सारियां, तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, उदो अपने माइंड दे विच फिर रिवाइंड हो जाएगा कि हाँ ये चीज डिस्कस की गई सी साडे नाल, ठीक है। चल दो भाई नैक्सट क्वेश्चन से आ जाने, स्विट्जरलैंड की गल करिए, स्विट्जरलैंड की कैपिटल केड़ी है, बर्न है बच्चे, बर्न। करंसी केड़ी है, तो क्रोन, नो फ्रैंक है, सॉरी फ्रैंक, बर्न नहीं है, फ्रैंक। तो इसकी करंसी कौन सी है, फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करंसी केड़ी है, फ्रैंक। क्रोन है वो किदी है, तो वो हैगी है नॉर्वे दी और स्वीडन दी, स्वीडन, ठीक है।
चलो होर गल कर लेने हैं, चलिए अगे। चलो इस तो बाद देखो हुण चंडीगढ़ बनना स्टार्ट हो गया सीगा और इसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट किसने करा दिता गया, तो एक किराया सीगा जो ली कॉर्बूसियर ने। तो क्वेश्चन आ जाता है चंडीगढ़ का फर्स्ट प्री प्लैनर कौन सी, तो आप याद करेंगे जो एल्बर्ट मयूर सीगा। ठीक है, चंडीगढ़ का फर्स्ट प्री प्लैनर की गल करेंगे एल्बर्ट मयूर। अगर क्वेश्चन कर लिया जाए चंडीगढ़ का जो आर्किटेक्ट कौन है, तो उस आर्किटेक्चर आएगा वह आएगा बच्चे जो ली कॉर्बूसियर। समझ आ गया ली कॉर्बूसियर जो चंडीगढ़ है वह तो की है इंडिया की फर्स्ट प्री प्लैन सिटी तो होगी। इतों क्वेश्चन बनता है बच्चे कि इंडिया की फर्स्ट प्री प्लैन सिटी तो जो चंडीगढ़ है, इंडिया की सैकेंड प्री प्लैन सिटी तो भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल। इंपोर्टेंट है बच्चे इतों भी क्वेश्चन बनेगा उड़ीसा की कैपिटल, कैपिटल भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है वो की है तो सैकेंड प्री प्लैनर सिटी है। ठीक है, इसका प्री प्लैनर किस नूं मन्या गया है, वह भी ली कॉर्बूसियर नूं मन्या गया। ठीक है, तो सैकेंड प्री प्लैन सिटी कौन सी सी इंडिया की, भुवनेश्वर सी। और इतों क्वेश्चन आ जाता है उड़ीसा का नाम आया ना बच्चे, उड़ीसा का ओल्ड नेम की है, कलिंगा। वेरी गुड बेटा, तो उड़ीसा का ओल्ड नेम पूछ लेता है तो की है कलिंगा। कलिंगा की मैं गल करा ना बच्चे, तो कलिंगा दे विच की हुई सी बैटल ऑफ कलिंग हुई सी, बैटल ऑफ कलिंग। और किसने बिटवीन हुई सी, ग्रेट अशोक। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ग्रेट अशोक, अशोक एंड नंद राज दे बिटवीन हुई सी, नंद राज दे बिटवीन हुई सी। समझ आ गया होगा, नंद राज उतों दा राजा सीगा नंद राज। और देखो इस बैटल ऑफ क्लिंग तो बाद की है अशोका ने की किया सी, बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया सीगा। ठीक है, मैरी घोष, बैरी घोष की जगह धम घोष अपना लिया सीगा, मतलब वॉर करना छड़ दिता सी और शांतिमय जीवन बतीत करना शुरू कर दिता सी। और इसने शिलालेख लिखवाए, इसने 14 स्क्रिप्ट लिखवाई सी, उसकी बैटल ऑफ कलिंगा की डिटेल किस विचों मिलती है, 13 स्क्रिप्ट विचों मिलती है। ठीक है, अब गल करांगे इस बारे में। ठीक है, चलो इस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है, इस बारे में डिस्कस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं। हुण देखो बच्चे जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की बोली गई है तो इसनों आप ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पंजाब बोलते हैं, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पंजाब, ड्रीम सिटी ऑफ पंजाब, मतलब ड्रीम सिटी के नाम नाल जाने जाता, ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया बोलेंगे, सॉरी ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया मुंबई नूं बोलते हैं, सपना का शहर उन्होंने बोलते हैं, पर यह ड्रीम नाल बनाई गई सी तो यह की है, इसलिए ड्रीम सिटी भी नाम नाल जाने जाता इसको। चलो भी इस तो बाद क्वेश्चन आ जाता बच्चे, हाँ जी 2007 की मैं गल करा, 2007 की मैं गल करा तो चंडीगढ़ नूं स्मोक फ्री सिटी अनाउंस किया गया सी। 2007 दे विच इसनूं की किया गया सी, स्मोक फ्री सिटी अनाउंस किया गया सी। ठीक है बच्चों, इस तो बाद आ जाता है जो 2016 दे विच, 2016 दे विच इसनूं की किया गया सी, तां लिख लेना इसनूं मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाया गया सी। मतलब जो चंडीगढ़ नू मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड या कदों अनाउंस किया गया सी, 2016 दे विच। क्लियर हो गया है इतों तक? चलो भी इस तो बाद क्वेश्चन करते हाँ, नहीं इस तो बाद चंडीगढ़ की जोड़ी नीम है, मतलब जो फॉर्मेशन स्टोन किस द्वारा किया गया सीगा, तो फाउंडेशन स्टोन या फॉर्मेशन स्टोन किस द्वारा किया गया सी चंडीगढ़ का, मिशन स्टोन, मतलब नीम पत्थर किस द्वारा रखा गया सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कदों 1952 दे विच रखा गया सी बच्चे। ठीक है, 1952 दे विच नहीं, वो 53 दे विच की करनगे, उद्घाटन करनगे। ठीक है, 1953 दे विच करनगे। तां स्टोन जो फॉर्मेशन स्टोन किस द्वारा किया गया सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कदों 1953 दे विच। हुण देखो 1952 दे विच, हुण 1952 दी गल आई है ना, इत्थों भी दो तीन क्वेश्चन बन जांदे ने। देखो मिस यूनिवर्स अवार्ड का नाम सुनिया होगा तुसी, मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स अवार्ड की स्टार्टिंग भी कदों हुई सी, 1952 दे विच हुई सी बच्चे, मिस यूनिवर्स अवार्ड। क्लियर हो गया, और इंडिया की मिस यूनिवर्स कितनियां बन चुकी ने, दो तीन, हरनाज संधू भी बन चुकी ना, तो
सुष्मिता सैन पहला बनी सी और उस तो बाद बनी सी लारा दत्ता ठीक है। ता इंडिया दी जिहड़ी तीन मिस यूनिवर्स बन चुकिया ने, एक बनी थी सुष्मिता सैन जो बनी सी 1994 दे विच, क्लियर हो गया। फिर बनी सी 2000 दे विच लारा दत्ता। हुण 2021 कौन बनी है? हरनाज संधु। मे बी क्लियर हो गया। तो 2021 हरनाज संधु क्लियर हो गया। 1994 दे विच मिस वर्ल्ड बनी सी कड़ी, तो वह बनी सी मिस यूनिवर्स बनी सी सुष्मिता सैन, 2000 दे विच लारा दत्ता और 2021 दे विच हरनाज संधु। मे बी क्लियर है इतों तक? कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? चलो बी इतों ही क्वेश्चन आ जाता है। 6 अगस्त इंपोर्टेंट है बच्चे, 6 अगस्त 1952 दे विच ही, 6 अगस्त 1952 दे विच की होया सी बच्चे? ता एक तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एनडीसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दा फॉर्मेशन होया सी बच्चे, इहदा फुल फॉर्म लिख देना, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्लानिंग कमिशन दे अंडर काम करदा है ओह ना, पंजाब विच फॉर्मेशन है। प्लानिंग कमिशन दा फॉर्मेशन होया सी बच्चे 15 मार्च, इनू आपां डिस्कस करदे हां कोई नहीं, 15 मार्च 1950 नू फॉर्मेशन होया सीगा और फर्स्ट प्लानिंग कमिशन स्टार्ट होया सीगा 1 अप्रैल 1951 तो लेके 31 मार्च 1956 तक। हुंदा क्लियर है? ठीक है। ता नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसनु क्यों बनाया गया सी? इसनु सजेशन देने लिए, इस दे ऊपर नजर रखने दे लिए। ता जो प्लानिंग कमीशन दे ऊपर नजर रखने दे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर हो गया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दा फॉर्मेशन कदों होया सी? 6 अगस्त 1952 दे विच। और एनडीसी नु ही की बोलिया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कैबिनेट के नाम जाने जाता है बच्चे। सुपर कैबिनेट के नाम किसान जाने जाता है? तो वह जाने जाता है एनडीसी। मे बी क्लीयर हो गया होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रब करता है। चलो नैक्सट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम नैशनल डिवेलपमेंट काउंसिल की बोलिया गया? तो यह बोलिया गया जो सुपर कैबिनेट, ठीक है। इस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है, नैशनल डिवेलपमेंट काउंसिल के अंडर ही एक कमेटी बनी सी बच्चे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर एक कमेटी बनी सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसे दे अंडर ही इंडिया दे विच सब तो पहला पंचायत सिस्टम नू इंप्लीमेंट किया गया सीगा। कदों किया गया सी बच्चे? तो यह किया गया सी 2 अक्टूबर 1959 दे विच। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इंडिया दे विच सब तो पहला पंचायत सिस्टम लागू किया गया सी बलवंत राय मेहता कमेटी दे अंडर, जो 2 अक्टूबर 1959 नू, और किथे? राजस्थान दे नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट तो हो गए। और इस तो बाद देखो पहला स्टेट सीगा, हुण इस दे 9 दिन बाद मतलब 9 2 दे विच मैं 9 ऐड करता हां तो कितना हो जाएगा? तो मतलब 11 अक्टूबर 1959 नू किथे स्टार्ट हो गया सी? आंध्र प्रदेश दे विच, जो पंचायत सिस्टम नू लागू कर दिता। थ्री टाइप सिस्टम सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक सिस्टम एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये थ्री टाइप। और 2 टाइप दा सजेशन दिता सी अशोक मेहता कमेटी ने, जो अशोक मेहता कमेटी आई सी जो जनता सरकार आई सी 77 दे विच, उस दौरान दिता गया सी, ठीक है। ता उस दौरान 78 दे विच एक सजेशन दिता गया सी 2 टाइप पंचायत सिस्टम दा, बट नहीं अप्लाई नहीं किया गया उसने, ठीक है। और अज भी इंडिया दे विच की है थ्री टाइप की है जो पंचायत सिस्टम है। पूरे इंडिया दे विच पंचायत सिस्टम 93 दे विच लागू कर दिता गया सी। और इसीलिए एक क्वेश्चन और बन गया, उन्हें जो 24 अप्रैल नूं आपां की मनाने आ? नैशनल पंचायत डे मनाने आ, ठीक है। 24 अप्रैल नूं नैशनल पंचायत डे। मे बी क्लियर हो गया होगा? पंचायत डे दे रूप विच मनाने आ। समझ आ गया होगा इतों तक?
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਬਟ ਉਦਘਾਟਨ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਲੋ ਕਿ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मे भी क्लियर हो गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट किया सी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट करने वाले पर्सन कौन सीगे ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी बच्चे 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟ 1954 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਵਾਰਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਸੀ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀ ਵੀ ਰਮਨ ਸੀ ਵੀ ਰਮਨ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸਰ ਨੋਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੀ ਵੀ ਰਮਨ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸੀ ਵੀ ਰਮਨ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬੁੱਕ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤੋ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਰੀ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਬਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਹੈ ਔਰ ਨੋਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਨਾਨਪੀ ਠਾਕੁਰ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਮਾਰ ਸਨਾਰ ਬੰਗੋਲ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਰ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗੋਲ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੇ ਗਾਇ ਸਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਾਲਾ ਜਦ ਜੱਲੀਆ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੋ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਾਂ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਜੇ ਵਾਲਾ ਜੋ
जलियांवाला मिसकैरेज होया सी ना, उस तो बाद इन्हां ने रिटर्न कर दिती सी। मे बी क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे, अज ले ही नहीं है, बाकी करांगे आपां कल दे लेक्चर। ठीक है मेरे बच्चों, बाकी अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी क्लास। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। और तुम्हें अगर पसंद आ रहा है लेक्चर तो प्लीज लाइक और शेयर करो, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर देना, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी सजेशन जरूर देना। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच।